नमस्कार, मैं उमा शंकर सर्व अकाल म्यूज़िकल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मैं अपने गुरुजी पद्मभूषण पंडित देबू चौधरी और बड़े भैया पंडित प्रतीक चौधरी जी की जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, मैं अपनी एक छोटी सी आहुति जो मैंने थोड़ा बहुत गुरुजी से सीखा है, उन्हीं का बजाया हुआ राग, उन्हीं का सिखाया हुआ राग और उन्हीं के द्वारा कंपोज किया हुआ राग कल्याणी विलावल मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। गुरुजी हमारे हमेशा कहा करते थे कि स्वर है ईश्वर, लय है ताल, तन ही पथ है और रूप है ध्यान। तो आज की जो ये सभा है वो उन्हीं को समर्पित है और ये जो सर्व अकाल म्यूज़िकल सोसाइटी ने जो एक इनिशिएटिव लिया है श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने का, उनका ये अखंड जोत जो इन्होंने निरंतर कोशिश किया है और आगे भी करते रहेंगे, ये जो निरंतर जो जोत है, अखंड जोत है, वो हमेशा जलता रहे, हमेशा चलता रहे और सितार के माध्यम के द्वारा गुरुजी का बजाया हुआ राग, गुरुजी का कंपोज किया हुआ राग कल्याणी विलावल छोटी सी कोशिश करूँगा। हालांकि मैं उस लायक तो नहीं हूँ कि मैं गुरुजी का राग को अटेम्प्ट करूँ, बट ये मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि है गुरुजी के लिए, प्रतीक भैया के लिए। तो राग कल्याणी विलावल आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँगा। मैं सिद्धार्थ भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ही मुझे इस सोसाइटी से जोड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि उमा तुम्हें बजाना है राग कल्याणी विलावल। थैंक यू। नमस्कार। आज समस्त श्रोतागण जो आज इस सभा के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक बहुत जिसे कहते हैं कि हम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वाला दिन है, क्योंकि एक तो होता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु घर के प्रति प्यार, और एक होता है कि उनका जो कमी है उनको महसूस करना। तो मैं जितने दिन से भी उमा के द्वारा अंकल जी से, प्रतीक भैया से जुड़ा हुआ था, तो इतने कम दिन में इतना प्यार मिलना, इतना लाड प्यार मिलना बहुत मुश्किल बात है। और आज इस घर में दोनों ही, गुरुजी भी और उनके सुपुत्र पंडित प्रतीक चौधरी हमारे बीच नहीं है, तो कुछ जाहिर करना बहुत मुश्किल है। और हम लोग आज दिल्ली में ही उनके घर के पास ही, उनके आश्रम के पास ही हम लोग ये अटेम्प्ट ले रहे हैं कि उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनको जितना भी श्रद्धांजलि हम लोग ज्ञापन कर सकते हैं। तो मैं हरजीत जी को और सर्वकाल सोसाइटी के सारे मेंबर्स को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हम लोगों को इस काबिल समझा गया कि हम उनके श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की तरफ चलते हैं, राग कल्याणी विलावल।
अगली जो प्रस्तुति है वो एक धुन है राग देश में, जो कि गुरुजी द्वारा पद्मभूषण पंडित देवू चौधरी जी के द्वारा ही कंपोज किया हुआ है। और इस धुन की एक अलग ही बात है, जब भी गुरुजी ये धुन मुझे सुनाते थे तो मुझे इनफैक्ट अंदर से बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब आज गुरुजी हैं नहीं, प्रतीक भैया हैं नहीं, तो उस धुन की छोटी सी मुझे मीनिंग समझ में आ रही है कि मुझे लगता है कि वैसा है, वो सोचते थे कि एक दिन सबको जाना है, और जब इंसान का शरीर जो है नशश्वर हो जाता है तो उसे जाना पड़ता है। जब शरीर का अंग काम नहीं करता है तो वो इस शरीर को छोड़कर एक अनंत यात्रा पर निकल जाता है, और मुझे लगता है कि शायद इस धुन की यही एक खासियत है। एक अजीब सा कसाव है, एक अजीब सी इमोशन है इसमें, और जब आप इसके अंतरे को सुनेंगे तो लगेगा कि वो कह रहे थे कि तुम लोग अच्छे से रियाज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तुम लोगों को मैंने बहुत डांटा है, आगे भी अच्छे से करते रहना और ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, सितार के ऊपर ध्यान देना, बस एक कोशिश करते रहना, ध्यान रखना मुझे। तो प्रस्तुत है राग देश में एक धुन।
ये मेरे तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि है बाबा को और प्रतीक भैया को। गुरुजी को मैं हमेशा बाबा ही बोलता था और मुझे यकीन है कि मेरी ये कोशिश ज़रूर उन तक पहुंची होगी और वो कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर आशीर्वाद दे भी रहे होंगे और मैं ये फील भी करता हूं कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। एक बार फिर से मैं सिद्धार्थ भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्व आका सर्वकाल म्यूज़िकल जो सोसाइटी है कैलगरी, हरजीत सिंह जी की जो सोसाइटी है वहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर्वाकाल म्यूज़िकल सोसाइटी को भी और सिद्धार्थ भैया को भी और हरजीत जी को भी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सितार के माध्यम से जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है गुरु जी से और मैंने प्रतीक भैया से भी कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं, कोशिश किया है। अब कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ ये मुझे नहीं पता, बट एक छोटी सी कोशिश है मेरे तरफ से श्रद्धांजलि उन दोनों को। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।